सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। उत्पादन में कमी की आशंका और निर्यात के लिए कच्चे कपास की अधिक मांग के कारण वर्तमान समय में कपास की कीमतें वर्ष दर वर्ष 76.5% अधिक है, जबकि पिछले एक महीने में 11.7% बढ़ी है। CCI के अनुसार जनवरी 2022 तक बाजार वर्ष 2021-22 फसल की आवक 18.27 मिलियन गांठ होने का अनुमान है, जो 3 साल के औसत से 9% कम है। CCI ने 2021-22 सीजन में कपास के उत्पादन अनुमान को 12 लाख बेल घटाकर 348.13 लाख बैल कर दिया है, जबकि पिछला अनुमान 360.13 लाख बैल उत्पादन का था। वहीं घरेलू खपत में 10 लाख बैल की बढ़ोतरी भी हुई है। USD ने अपनी मासिक रिपोर्ट में भारत में कपास के उत्पादन को पिछले महीने के 28 मिलियन बैल से घटाकर 27.5 मिलियन बैल कर दिया है, जबकि सबसे बड़े निर्यातक अमेरिका में कपास के उत्पादन में 3.61% की कटौती करके 70.6 मिलियन बेल कर दिया गया है। बाजार के जानकार मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजेजा के मुताबिक वर्तमान में MCX कॉटन की कीमतों में मुनाफा वसूली का दौर देखने को मिल रहा है। इस बार किसानों को कपास की कीमतें काफ़ी अच्छी मिली हैं, जिससे अब किसान आगे भी कपास की खेती करने का मन बना रहे हैं और सरसों की तरफ इसका भी रकबा बढ़ाने की सोच रहे हैं। इसी के चलते MCX कॉटन में मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। MCX कॉटन की कीमतों में ये मुनाफा वसूली का दौर अभी कुछ दिनों तक और देखने को मिल सकता है। अभी अमित सजेजा के मुताबिक छोटी अवधि के कारोबारियों को MCX कॉटन में ऊपरी स्तरों से बिकवाली करके चलना सही रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।